एंड गोलू फूल खाएगा। गोलू हेलो, गुड मॉर्निंग बोलू या गुड नाइट बोलू समझ नहीं आ रहा है। अभी टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है? 3:20 3:20 हो रहा है और अभी वो आ रहे हैं, पधार रहे हैं। अभी इतने रात है, रात में इसीलिए रात का जो बर्थडे है वो भी नहीं हुआ उनके इंतज़ार में। तो अभी पापा गए नीचे लाने, अभी तक उसका गाड़ी आया नहीं। अभी पहली बार वो ट्रेन से आ रहा है क्योंकि फ़्लाइट में कुछ दिक्कत हो गया था टिकट को लेके, इसी वजह से फ़्लाइट का टिकट कैंसिल हो गया है, इसीलिए ट्रेन से आना पड़ रहा है। अभी का टाइम हो रहा है 11:29 एंड मैं मस्त अपने केबिन में अकेला ही हूँ, कोई और है आया ही नहीं। एंड अभी हम लोग पता नहीं कहाँ पे हैं, अंधेरा अंधेरा दिख रहा बाहर। अब लाइट्स थोड़ी दिखी उधर। सो मुझे आई थिंक अभी 4-5 घंटे लगेंगे। मैं लास्ट 10 आवर से ट्रैवल कर रहा हूँ और अभी मुझे थोड़ा सा टाइम और लगेगा, आई थिंक 4 घंटे या 3 घंटे और, फिर पहुँच जाएंगे बर्थडे जिसका है उसके पास। एंड उसका एक गिफ्ट उसमें रखा हूँ जो मैंने पैक किया था, फिर अनपैक किया बिकॉज वो मेरे इधर जो बैग है अंदर वाले बैग में आ नहीं रहा है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहा है 9:30 और मैं उठ गई हूँ। अभी ब्रश करूँगी, कुछ खाऊंगी, फिर देखते हैं क्या। तो मेरा ब्रेकफास्ट आज का ये है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है तो इसीलिए खाएंगी। मैं पराठा खाऊंगी और एक मिठाई लूंगी, फिर पेट में जाके एकदम गैस की फैक्ट्री करूंगी। मेरी मानुस कौन से जेल करना चाहिए? बाकी जो नहीं मिलेगा रैपिंग से बट्टे की शुरू हो रहे। जैसी शकल वैसा कपड़े। ओहो कुर्ती, ओहो कुर्ती। डांस करना तो आता नहीं है, जैसा मुझे पसंद है बिल्कुल वैसा है। So, मैं रेडी हो गई हूँ पर ये स्मॉल साइज का है, बट मुझे बहुत ज्यादा लूज आया, देख सकते हो पूरा निकल जा रहा है। कौन सा स्मॉल साइज है मुझे नहीं पता, इतना लूज आ रहा है। तो अभी पता नहीं कहाँ जाऊंगी। थैंक यू। कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रहे हो वो तो बोल नहीं पाऊंगी। पापा को बोलो ये दे दे मुझे हनुमान। ओ पिया भाई, बाबा बाबा हनुमान जी बोलो हैप्पी बर्थडे। আমার সোনা বলতে চাই, আমার সোনা। খুব সুন্দর লাগছে। আঙুলটা কামড়ে দিয়ে দিন। इनको ब्लॉक मार दो, ब्लॉक। नहीं नहीं मम्मी वो पकवान बनाएगी। तो किसकी शकल देखा एक बार? नहीं मैं दिखाता हूँ गाइस। ये जब भी वो लोग ये क्या करेगी, आंखों में पता नहीं क्या लगा लेती है और हाँ ये आंखों में कुछ लगा लेती है। दिखाओ क्या बोलते हैं उसको जी। हाँ हाँ काजोल मैंने भी लगाया। हाँ तो भी लगाया। हाँ निकल गई मैं, कपड़ा लग रहा है कहीं और जा रहा है, मैं कहीं और जा रही हूँ। तो बताइए ना फिर कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं खाना खाने। कहाँ? ये कहाँ कौन सी जगह है? क्रोनो कोन्ना शंगो पता नहीं। Did you know where you are? Now I know. Huh? Now I know. Happy birthday to you, happy birthday to you. अरे पूछ के ऐसे छोटे मोटे बात चला बताया था। मुझे ना इस बारे में कुछ नहीं पता था, सब दीदी का प्लान था। दीदी ने उन सब के लिए स्वेटर, सबके लिए नोटबुक, पेन, उसके साथ हेयर एक्सेसरी, चॉकलेट्स, बहुत कुछ खरीदा था। एक्चुअल में पिछले साल बर्थडे में मैंने बोला था उनको कि इस बार बहुत पैसा वेस्ट हो गया और मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा कि बेकार में पैसा वेस्ट हुआ, इससे अच्छा होता कि कोई खुश होता। तो दीदी ने वो चीज़ ध्यान रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मोटा खीर दिया हमें, बहुत टेस्टी है, हम खा रहे हैं। स्पून दिखाओ, छोटू सा स्पून है, जस्ट लाइक यू द स्मॉल। वो जो कैसे उसको खाना सीखना हो, इनसे आप सीख सकते हैं कि वो खाना कैसे होता है। तो अभी हम जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर, पहले माला लेंगे और फिर जाएंगे मंदिर और फिर घर जाएंगे। यहाँ से लेने आए पूरी माला लेंगे। मोमबत्तीटा कत दाम दादा? मोमबत्तीटा যেটা সবথেকে বড়টা থাকবে তো? এটা জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় থাকবে তো। सो मंदिर आए थे, कोई नहीं था, इसीलिए हनुमान जी को प्रणाम कर लिया और इधर ही रख दिया मैंने माला जो ख़रीदा था हमने। तो अभी हम लोग आए हैं भैया के घर और अंकल के साथ वो गए हैं पटाखे लाने। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बैठेंगे, पटाखे आ जाएगा फिर मैं घर आऊँगी। तो घर आ गई, ये मिला, ये भैया ने दिया, बाकी वो तो अभी तक पटाखे लेके आए नहीं। अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा थक गई। 2 घंटे बाद फिर से भैया ने बुलाया है, पता नहीं क्या होगा फिर से। सो अभी घर पे आई थी और अभी डबल खुशी मिल गया। मैं अभी पूरा आप लोगों को तो दिखाऊंगी नहीं, पर दीदी की शादी में जो लहंगा पहनूंगी वो आ गया है, बट मैं दिखाऊंगी नहीं आपको। फूल बरसाओ मेरा पार्सल लाया। पार्सल इसको पैक करने बहुत टाइम लगाया, समझे, क्योंकि आधा पैक नहीं हुआ, इसके साइज का नहीं मिल रहा था ना, हमने बहुत टाइम लगाया है। बहुत टाइम लगाया है, आधे घंटे पैकिंग, बहुत टाइम लगाया है। इसको जरा खोलो पहले, ऐसे बाप रे बाप, ऐसे देखो भाई, देखो रुक जा भाई, रुक जा, ऐसे ऐसे करके खोलना है। अब देखो बहुत हैवी है, पर निकालो इसको पहले, होएगा लो। वाओ, रियल एक्सप्रेशन देना, फेक नहीं। वाओ भाई, ये कोताही शुरू कोताही शेष बाबा है। इधर से बहुत ज़्यादा है इसमें, वो लेयरिंग बहुत। ये उठे दाड़ा, पंखा बंद कर दे, पंखा बंद कर दे, थक जा रही मैं। ये देखो, और उठाओ, ताकत लगाओ थोड़ा सा, खाना ना खाओ ना। ये है मेरा, उल्टे जा, मैं थक गई। दिस इज फॉर यू, नहीं पता यार ये है। थोड़ा सा ये गिफ्ट देख ले, रागा, बहुत राग, ब्यूटीफुल, समझ ना। ये शिल्पी ने दिया, ये वाला, ये वो क्या बोलते इसको, सरारा सरारा सरारा। वो भी पैक कर दीजिए, कुर्ती बच्ची ना दो Amazon से है, इतना मेरे को डाल दो, इसमें गुड्डा गुड्डी होगा कुछ। ओ भाई, इसके अंदर फिर से बैठ गया ना, इसमें ये ऑलवेज करती है सब। दो मैं खोल दूंगा ये, नहीं पैक के अंदर, पैक के अंदर, पैक के अंदर, पैक। खाली टाइम में क्या करेगी, फेसबुक चलाना है और गिफ्ट पैक करना है। फिर से एक और गिफ्ट, ना सस्पेंस, आई डोंट लाइक इट। मैं खोलूंगी, क्या है? हाँ, यही कह सही बोल रहा हूँ, ये खाली लोग यही करते हैं। खाली जब बैठूंगा ना मैं, टाइम होगा मेरे पास बहुत, तो मैं यही सब करूंगा। और उसमें बहुत, इसका देख और होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। क्या होगा ना, अमेजोन से बहुत सारे पार्सल मंगाए हैं, उसी में डाल डाल के बोला पैक कर देती हूँ। तुझे बोलना ही है ना, यही तो करती है। एक बार खुद की शक्ल दिखा दो, ये देखो गाइस, उसके बाद फिर से एक होगा, देख लिया है, दिख रहा है मेरे को, बाहर से दिख रहा है। ये हाथ में लग जाएगा वैसे। बहारों फूल बरसाओ दो मुझे तो अभी खुला नहीं है, अंदर से निकालना है ना, तो काट काट के। भाई क्या टेप मारा देख रहे हो तो? अरे कांची नहीं आना सारी, तो जरा कांची दो ना, कांची दो लग जाएगा, लग जाएगा। दादा कांची देते थे, कांची देते थे। अरे हाथ में लेगा जाने रे, कांचीटा देते थे ना बाबा। मुझे दो दिया, मेरी कसम मुझे दो। हां ना 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 कसम दिया मुझे। अल्लाह भाई खलिहर लोग इसी को बोलते हैं हमारे यहाँ, पता है? आंटी बोलते ही नहीं, बोलते हैं खाली खाली पीली कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा चार आने का। सफाई आंटी इसी से कराना आप, ठीक है? उसका तो पता है क्या होगा, एक झुमका होगा, लिख के ले तू, है ना, देख ले तू, पता है बोलू, या फिर छोटा सा टॉय, कुछ कुछ छोटा चीज है, समझी? छोटा है वो तो सबको समझ आ रहा है, उसका रिकॉर्ड गिफ्ट हो सकता है, मेरे को चांसेस लग रहा है। खाली बहुत बैठी थी ना ये, ऐसा वाला तेरे बर्थडे में भी करूंगी, करना मत भूल के भी, वरना चाकू लेके बैठूंगी। हाँ बोला ना उसके अंदर, क्या बोला, ये क्या किया, जितना भी डब्बा फ्री का जहाँ जहाँ से डब्बा आया था वो सारा यूज कर लिया है, ठीक है? वो मत बिखर, मत बिखर, ये कर दो की ब्लॉग है बच्चे, इसके अंदर भी हो सकता है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल है करना, मुझे ये बॉक्स ज्यादा बेचारा लग रहा है, घर का इसके अंदर भी कुछ होगा। हाँ पक्का, एक फेयर है सर, वो भी सस्ता वाला, आपका चॉकलेट फ्री वाला, ये फ्री वाला नहीं, फ्री वाला मतलब एक पैकेट लाया, पूरा खाया, एक रख दिया। नहीं आंटी क्या किया सुनो तो, आंटी इसमें 10 से 12 पीस होता है, इसको बहुत पसंद है, पूरा खा के एक हो जाए तो वही डाल दिया, उसके अंदर भी बोलूंगा आधा होगा नहीं, देख लो। चलो ठीक है, इरिटेट करना इसी को बोलते हैं। हाँ। तो मंगलवार था इसीलिए ये था मेरा दोपहर का खाना, सब कुछ वेज खाना आ गया। आंटी आज वेज है क्योंकि आज ट्यूसडे है। आंटी कल भिंडी का कलौंजी बनाना, जी भिंडी का। तो मैं सो गई थी, उठ के देख रही हूँ कोई है ही नहीं भाई, कहाँ पे सब चले गए भगवान ने। उस रूम में कुछ बलून्स गिरे हुए हैं, वो भी फुलाया हुआ नहीं ऐसे नॉर्मली। और भैया के कॉल से मेरा नींद खुला कि आधे घंटे में उधर जाना है, बट कोई है नहीं कि मैं जाऊँ, सिर्फ पापा मम्मी है। पापा तो भी निकलेंगे नहीं, मम्मी भी नहीं निकलेंगी, मम्मी तो सो रही, तो ऐसा तो अभी पता नहीं। उनको कॉल तो किया था, बोला आ रहे हैं, पहले बोला कि घर पे ही है, फिर बोला आ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं सब। तो अभी फिर से निकले हैं, अभी शाम हो गया है, मैं पापा के साथ जा रही हूँ और दीदी और वो जा रहा है। तो भैया ने ना आज एक बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे एक भैया रहते हैं जो चल नहीं पाते, उनका घर का जो कंडीशन है वो भी अच्छा नहीं है, उनकी मम्मी रहती है, बट होता है ना कि घर पे कोई काम करने वाला कमाने वाला नहीं है, तो घर गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है उनका। ऊपर से वो चल नहीं पाते तो कोई काम नहीं कर पाते, उनको किसी को ले कर जाना पड़ता है। तो इसीलिए भैया ने एक ऐसे व्हील चेयर गिफ्ट किया, जो वो खुद चला पाएंगे, खुद ब्रेक दे पाएंगे, तो कुछ कर लेंगे वो खुद से। वो सब इतने खुश थे ना, और पापा उनको ये चलाना सिखा रहे थे, पर टाइम तो लगेगा, एक दिन में तो नहीं सीख पाएंगे, बट हाँ वो खुद से कुछ कर ले, इससे अच्छा और क्या होगा। तो अभी घर जाना है, तो भैया ने सारा इंतजाम किया था, मुझे पता नहीं था, बट बहुत अच्छा लगा बर्थडे वाले दिन किसी और को खुशी दे के, आई फील सो गुड। तो अभी घर जाएंगे, आगे का प्लान सच में मुझे नहीं पता, बाकी चलो देखते हैं क्या होता है। बट ये स्लाइड में मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। ये क्या आया है देखो, मेरे बर्थडे के लिए, देखो मेरा भतीजी है ये, और एक है देखो 5 है। वाओ, मतलब मेरे एज के लिए बिल्कुल परफेक्ट सारी चीजें है, ये सब मेरी पसंद है, देख के समझ आ रहा है। अच्छा बहुत सुंदर भाई, और भी है, सब आपने खरीदा है ये पसंद करके, पूरा मैचिंग मैचिंग सबको देख के लग रहा है, आप बिना आपके कोई खरीद ही नहीं सकता ये। इस लड़की को देखिए, बस इसने कुछ डेकोरेशन नहीं किया, दीदी कर रही है अकेले डेकोरेशन कर रही है। ऊपर से इसको मोमो खाना था इसलिए मैंने मोमो ऑर्डर किया, 2 मिनट में आ रहा है। बाकी सब देखो पहले वो वाले ना, ये जो चटनी है ठीक है, जो सॉस है ना इसको ये वो देते थे उसमें, क्या बोलते हैं किसमें, एक कंटेनर देते थे छोटे से कंटेनर में, वो बहुत समय पहले इधर साथ में स्पून भी देते थे। अभी कुछ नहीं दे रहा, अब नॉर्मल दे रहे हैं, वो भी मतलब इससे आप ठेले से लो, क्योंकि ठेले से लोगे ना तो आपको सूप देता था, बहुत टेस्टी टेस्टी। ठेला स्विगी में नहीं है जी। अच्छा खा खाना तो खा, ये अच्छा लगा दीदी, तीखा तीखा चला ना जी। ये है वो केक, बड़ा प्यारा है केक, केक भी मैंने दिया, इसमें ये जो ऊपर लगा है ये भी मैंने लाया है, बड़ा सुंदर सा। और ये जो सुंदर सा गाउन है सुडोल सा, ये भी मैंने ही दिया। ये पूरा घर मेरा है, मैंने बनाया, सब कुछ मेरा है। ये हंस रही है, वो भी मैंने ही बोला तो हंस रही है। घुस जा कैमरामैन मोटू भट्टाचार्य के साथ। ये देखो ये कैंडल कैसा है, डिजाइनर कैंडल, ये सब मेरा ही पसंद है। ओ भाई हैप्पी बर्थडे में आग लग गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मनु, हैप्पी बर्थडे स्मिता भट्टाचार्य, हैप्पी बर्थडे टू यू, टू मनु, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये गाना, ये कौन सा गाना है? चुप करो, कुकुर डाक से नहीं। ये मैं खिलाऊंगा। ला 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 ला। कैसा खाने में? बहुत सुंदर। एक आपको मैं सोच रहा हूँ ये ब्लू वाला, ब्लू नहीं मैं ये ग्रीन कपड़ा है तो ग्रीन कलर की मैं सोच रहा हूँ ये खिलाता हूँ आपको, ठीक है? पूरा उठाइए उसको। नहीं नहीं ये मैंने फूल उठा लिया, ठीक है? एंड गोलू फूल खाएगा, गोलू दूसरा खिलाएंगे, बहुत फूल है इसमें। नहीं नहीं यही खिलाएंगे, फूल बहुत सारे फूल है इस बार, अच्छे से खाना। अब मैं हाँ काट लो, हाथ से काट लो। हाँ मेरी भांजी भी काटती है, अच्छा नहीं अच्छा। यस गाइस बोलिए। सो ये देख सकते हो बहुत सारे गिफ्ट्स आ चुका है, तो अभी सब कुछ ओपन करूंगी, तो ये सारे के लिए एक अलग वीडियो आएगा जिसमें सारे गिफ्ट मैं ओपन करूंगी। बाकी अभी मैं चेक कर रही थी क्या क्या फोटो वीडियो आया, क्योंकि सुबह से चेक करने का टाइम नहीं मिला, इवन आज कुछ पोस्ट भी नहीं कर पाई। तो अभी माइक वाइक सेटअप करूंगी, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी ये वाला वीडियो बनाना। उसके बाद अभी भी और एक केक कट करूंगी जब भैया आएंगे, उसके बाद इतना मुझे पता है। तो ये आधे गिफ्ट इसने चोरी किए हैं मेरे, हर साल चोरी कर लेती है, चोर कहीं की चोर। ये दोनों लड़े, प्लीज कमेंट चोर श्रद्धा भट्टाचार्य जी। उसका गिफ्ट ज्यादा हो जाता है, मेरा फायदा है उनका लड़ने से, तो लड़ते रहे हमेशा, भगवान आशीर्वाद करे कि लड़ते रहे। बाय बाय नहीं यार, फिर से मिलते हैं। सो अभी शायद टाइम हो रहा है 10:30, रुक जाओ देख के बता रही हूँ। हाँ 10:30 बज गया है, अभी तक भैया आए नहीं है और मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ। ये ड्रेस दीदी वाला ड्रेस मैंने पहना है, तो वो आएंगे तो मैं केक काटूंगी, फिर मैं रेस्ट लूँगी थोड़ा सा। कल बहुत सारा काम क्या है वो तो आप लोगों को जानने के लिए नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा, ये फेंको मत, मैं रख दूंगी इसको, ये बहुत ज्यादा प्यारा है। इसी के साथ मेरा बर्थडे इधर ही खत्म हो रहा है, तो जिन्होंने जिन्होंने विश नहीं किया जरूर विश कर देना कि हैप्पी बर्थडे शुमेरा, और बहुत अच्छा गया पूरा दिन, हैप्पी बर्थडे टू मी। तो अभी सोने जाऊंगी, गुड नाइट, टाटा। कल भी एक स्पेशल डे है, सुबह सुबह